नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 53। 19 तारीख जुम्मे के दिन अदिलाबाद में फारूक नामी शख्स ने 3 अफराद पर रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी थी, जिनका इलाज हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में चल रहा था। इलाज के दौरान सैयद जमीर की आज मौत हो गई। जमीर के अफराद खानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर्स की लापरवाही से उनकी मौत हुई है। आइए सुनते हैं उनके रिश्तेदारों की जुबानी। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते तो उसमें जो सो झगड़े हो आते रहते, बच्चों के झगड़े होते रहते ना, वैसे एक बार झगड़ा हुआ था, समझा दिए। दूसरी बार जो सो फिर झगड़ा बच्चों का हुआ, भाई घर में जो सो अपने बिजनेस करते हो ना, तो उनके काम में थे उन्हों, जो मसाले का बिजनेस वगैरह है उनका घर में, उसके पैकेट्स वगैरह बनाते बैठे घर में। बच्चा के बोला कि भाई को मार रहे, बोल के बोला, यानी मेरे से बड़े भाई का बच्चा है जो झगड़ा वहाँ हो रहा था। तो इन्होंने गए, अरे झगड़ा हो रहा बोल तो छुड़ाने गए खाली हाथ, तो इनका बच्चा 16 साल का है, उन्हें वीडियो बना लिया इनका, वो वीडियो आप लोग जानते देखे होंगे आप लोग, वो वीडियो में क्लियर दिख रहा। तो इन्होंने जाकर क्या करे, छुड़ाने के वास्ते दोनों को ढकले। जब दोनों को ढकेलते ही फौरन ने क्या करा, पीछे स्टेप ले लेके फायर ओपन कर दिया। हम एक शॉक में रह गए हम लोग, उन्हें फौरन जो सो फायरिंग शुरू कर दिया, दो गोली जो सो भाई को लगे पीठ में, एक पीछे और एक सैयद जमीर साहब, सैयद जमीर वो भी एक्स काउंसलर ही थे पहले, छोड़ दिए थे सियासत में, उनको एक गोली जो सो पीठ में लगी, एक गोली पेट में लगी। फिर उनको उसी रात में यहाँ पर लाए, 1 बजे रात को लाए दवाखाने में, कहाँ निम्स में, 1 बजे रात को लाए उनको, गोलियां लगे हुए हैं पेट में। सुबह 10 बजे जो सो डॉक्टर आके मिले उनको, रात में बच्चे जा रहे उनको बोल रहे मार, कोई भी केयर नहीं कर होता, सुबह 10 बजे आके मिले उनको, 10 बजे मिलके ऑपरेशन थिएटर को लेके, कब ले गए, 12 बजे ले गए, 12 बजे ऑपरेशन को ले गए उनको, वो पॉइजन पूरा फैल गया था उनको, उसका इंफेक्शन होगा उनको, आज जान चली गई उनकी। आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे? गोलियों से ही मरे उन्होंने, तो फारूक ही जिम्मेदार है ना, फारूक मारा, दुनिया देखी, सबको मालूम है, उसका क्लियर जो सो वीडियो चल रहा, तो पूरे आल चैनल से उसको चला रहे, उसके बाद आप बोल रहे डॉक्टर की लापरवाही, डॉक्टर की 100% लापरवाही की वजह से छुआ है मामला। डॉक्टर अगर जब भी जो सो एक्शन ले लेते तो हो सकता है इंशाल्लाह जो सो जब का जब भी, आज तक मेरे मैं भी डिपार्टमेंट का हूँ, उनको आज ऐसे कई केसेस में देखा जो इंजुरी से गोली लगी उनको इमीडिएटली निकालने के बाद वो लोग अच्छे हो गए। मुझे पहला केस है, कितने गोलियाँ लगी इनको? 2 गोलियाँ लगे। क्या नाम है उनका? सैयद जमीर। कहाँ लगे थे 2 गोली? एक गोली पीठ में लगी थी पीछे, एक गोली साइड में लगी थी किडनी की तरफ लगी थी करीब, दूसरों को भी गोलियां लगी। हाँ, और एक सैयद मोहतेशिम उनको इमीडिएटली वहाँ निकाल दिए, यहाँ पे लाए थे उनको भी। अच्छा। लेकिन उसको कैसा था बोलते, वो हड्डी के ऊपर लगी थी गोली, बेल्ट पे लगी थी। अच्छा। तो उससे क्या हुआ, बच्चे को तकलीफ बहुत थी, मर कम उम्र बच्चा था। अच्छा। वो बच्चा बर्दाश्त कर लिया, फिर उसको भी ऑपरेशन वही टाइम पे करे, निकाल दिए उसको, डिस्चार्ज कर दिए उन्हें अदलाबाद में, घर पर है बच्चा। इनकी क्या एज थी जो? इनकी 62 ईयर्स। और एक भाई जो थे तलवार का मार जो लगा उनको जो 53 एज थी। इन्हों अकेले ही करे या इनके साथ उधर लोग थे और भी? नहीं, इन्हों अकेले फारूक के साथ में उसके दो साल, एक साला एक साला एक साला जो भांजा दामाद, एक भांजा दामाद, वो तीनों लोग थे वो लोग, वैसे भी उसके साथ में दूसरे लोग भी आए थे, ऐसा प्री प्लान आए वो लोग, इनको नहीं मालूम था, सडन चले गए खाली हाथ थे। तो आप लोग देख रहे हो ना वीडियो के अंदर दिख रहा, खाली हाथ थे, ये इन्फेंस हो गया। नहीं नहीं, फारूक से हमारी कोई दुश्मन नहीं थी, फारूक को कभी हम खिलाफ गए नहीं, बच्चों के मामले में बातें हुए, एक बार बोल दिए हम, हमारे बच्चे को जो से तेरा बच्चा मारा अच्छा नहीं मिला ठीक है बोले, दूसरी बार भी इमीडिएटली जो झगड़ा हुआ इसी, अरे रिश्तेदार आएंगे कुछ नहीं, बस हमारे हमारे मोहल्ले में काउंसलर जीता उन्हें पता ही। हाँ सर।